Assalamualaikum and welcome back to जिया साहब YouTube चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसे है कि बड़े दिनों बाद अपलोडिंग हो रही है, तो आज अब आपको ना ब्लॉग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं सवात। तो सवात के लिए सबसे पहले हम जाते हैं लाहौर और लाहौर से अपने सफ़र को आगे प्रोसीड करते हैं। तो लाहौर जाने के लिए सीन्स आपके सामने हैं। हाँ तो भाई, लाहौर की तरफ मेरा सफ़र चल पड़ा है। मैं बोर इसलिए नहीं रहा क्योंकि सारी बस में लोग सो रहे हैं और ये बस वाला ड्राइवर इंतहाई जलील कर रहा है। 14 घंटे हो गए उसने मुझे अभी तक शादी के वास्ते लाहौर नहीं पहुंचाया। तो बाकी आपको लाहौर चल के दिखाते हैं। तो भैया जी, आज का सीन कुछ ऐसे है कि लाहौर पहुंच चुके हैं, सारे के सारे स्नैक्स पहुंच चुके हैं। जरूरत पड़ेगी तो उसका मैं चेहरा हाइड कर दूंगा। बाकी अहमद अम्मा हमारे सामान समेट रही है और ये जादू साहब पड़े हैं। गरी नींद से खत्म हुए पड़े हैं सारे, रात के 2:30 बज रहे हैं और 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं, चल थोड़ी मसाला भी लगना चाहिए साथ साथ। तो अभी हम ना निकल चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर स्वाद के लिए। स्वाद के कौन से पॉइंट पे अहमद? बहरीन की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी फिर साथ साथ आपको अपडेट करते जाते हैं। के रोले चल रहे हैं, उसके बाद अभी हम सोने लगे हैं। गुड नाइट। तो यार क्योंकि ट्रैवलिंग जो थी वो हमारी रात की थी, तो ज्यादातर सफर हमारा ना सो के गुजर गया सुकून से। और फिर जब हम सुबह उठे तो हम ऑलमोस्ट सवात से थोड़ा सा ही पीछे थे। तो फिर हम पहुंचने लगे सवात और आगे का प्रोसीडिंग आपको साथ साथ दिखाते हैं। ऐसा सीन है कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद अभी हम ना आगे कलाम की तरफ निकल रहे हैं। वो एक कलाम होता है, कलाम होता है, कलाम कलाम यानी कि बात कर बात कलाम कलाम या कलाम बस जहाँ निकल रहे हैं कलाम नहीं जा रहे। अच्छा, कलाम जा रहे हैं। तो मेरे बैग पे ना वो आपको ना पहाड़ों के ऊपर आइस कैप नज़र आ रही होगी। अभी हम आइस के बहुत ही करीब जा रहे हैं और फिर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो चश वाला सीन बढ़ता जाएगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे ना हम दरिया सवात के बीचों बीच खड़े हुए हैं। बीचों बीच ही खड़े हैं। ये देखो ये पत्थर नहीं, ये भी पत्थर के ऊपर ही खड़े हैं। बहुत हैवी वाला शोर आ रहा है, ठंडा यक बनी है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमें बताएगा क्या बताऊँ पानी कैसा है। यक यक अंदर जाके देखने पता लग जा, अंदर जा सीन कुछ ऐसे कि ये रात को हमने ना ये कमरा ले लिया था, बड़ा ही ना कोई फिट किस्म का कमरा था। बड़ा मिला यही था, यही मिला था, नहीं ढूंढ ढूंढ के लिया था। तो खैर ना इसकी जो मेजर फीचर था वो ये था कि यहाँ ना पत्ते पुत्ते खेलने के ना बड़ी फिट सी जगह थी। और ये हमारे अहमद भैया जिसकी बड़ी हैवी कॉम्पिटिशन से हमें कमरा मिला और ये सारे तैयार शेयर हो रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ से ना सीन पूरा हो चुका है। इस बात में हमने स्टे किया था बहरीन में। तो आगे का सीन कुछ ऐसा है कि ये हमारे सामने जी ये पहाड़ का व्यू है। हाँ तो ये है हमारे अठड़ी माहौल बताता हूँ। तो ये सामने यार क्या कमाल के व्यूज है, वो दरिया बहता हुआ, दरिया का शोर सारी रात हमारे कानों में पड़ता रहा। ये देखें, ये ग्रिल के साथ हम खड़े हुए हैं और काफी चैसा ही है। अभी हम कलाम की तरफ निकलने लगे हैं तो वहाँ पे सुना कि बड़ा बर्फ वाला माहौल है, तो वहाँ जाते हैं तो पता चलता है। क्यों जवाब साहब, मजा आ रहा है, चैसा आ रही है? तो यार यहाँ ना ठंड का सीन बड़ा ही हैवी है और ना ये गाड़ी में पैकिंग शेकिंग कर रहे हैं और पैकिंग हो चुकी है, बस गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं सामान को और अभी हम निकलना है कलाम की तरफ। बाकी बारिश भी हो रही है, बड़ा ठंड वाला सीन है। हमने डबल डबल जैकेट और डबल डबल पैंट बुंडे सब कुछ ना हैवी सीन चढ़ा के रखा हुआ है। तो बाकी जब कलाम जाते हैं तो पता चलेगा कि यार कितनी सर्दी है वहाँ पे, तो उस हिसाब से क्या मज़ा आता है कि नहीं। मज़ा तो आएगा लेकिन और सर्दी की वजह से हालात बड़े ख़राब होने हैं। तो बाकी चलते हैं तो लग जाता है पता। We'll be right back.
जैसा कि कलाम में हम पहुंच चुके हैं और कलाम हमने रूम ले लिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये गाड़ी कोई नई नई सी है, तो सीन ये है कि हमने लैंड क्रूजर करवा लिया और हम जा रहे हैं मटल दान जा रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे स्नो वगैरह का भी सीन लगे हुए हैं। अच्छा, एक्साइटमेंट फील हो रही है। मेरे साथ जादू भाई बैठे हैं, लास्ट टाइम भी हम लोग बर्फबारी देख रहे हैं। कहाँ गए थे वे? हाँ, सैफ मलूक जी फतेहगढ़ में। बहुत ज्यादा बर्फबारी थी वहाँ पे, हमने किसियाँ भी ली थी। आज हम देखते हैं स्नो, आज हम स्नो बॉल्स बनाकर आज हम एक दूसरे को मारेंगे। देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मजा आएगा ऐसा ऐसा। इसी स्कॉल है कौन सा फॉरेस्ट? खुशु फॉरेस्ट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं जी भाई। फुल मॉल ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ऐसे बर्फ में बिल्कुल ढके हुए पहाड़ ऑलमोस्ट सफेद हुए हुए हैं। हम लोग की आंखों में एक्साइटमेंट, इसकी तो आंखें काले लगाई है। कैसा लग रहा है आपको? ये हाजी देखे, ये मुझे देखे, ये आपको देखे। बड़ा मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तो इस वक्त का लेटेस्ट सीन ये, पीछे आप ना गाड़ियों की लाइन देख रहे होंगे, तो ना लाइन लग गई है जिसकी वजह से ना हम यार बड़ी इधर पांव देखो मेरा कैसे अंदर जा रहे हैं। ओए ना मारी ना, ये नरम है। हम सोचे कि यहाँ पे थोड़ी सी स्नो फाइट कर लें, तो हमने सोचा कि स्नो में आए और स्नो फाइटिंग ना खेलें तो फिर आने का क्या फायदा, तो फिर थोड़ी स्नो फाइट खेल लेते हैं। Where'd you go?